जेरफ माइंड, रेड जेरफ माइंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट से मिलाने जा रही हूँ, जो कि वो खुद बताएंगे अपने बारे में कि किस अटेम्प्ट में क्या किए हैं। और सबसे पहले आपको नागेश जी, मेरी मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको नेट क्वालिफाइड करने के लिए। तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ शॉर्ट में आप अपने बारे में बताए। मेरा नाम नागेश मिश्रा है और मेरी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ मेरे गांव से हुई है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं, और ग्रेजुएशन डीयू से है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ मैं, और मास्टर्स भी वहीं से हुआ है। देन ये इस बार का नेट मेरा पहला अटेम्प्ट था। और अच्छा, ये आपका पहला अटेम्प्ट था? जी, ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और जैसा कि आप बता रहे हैं, आई जस्ट क्वालिफाइड इट। अच्छा, तो मैं ये आपको पता है कि इसमें हर साल 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं इस नेट जेआरएफ एग्जाम में, और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम माना जाता है इसको। तो इसको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाइड कर लिए आपने? मैम, स्ट्रेटजीज होती हैं, तरीके होते हैं क्वालिफाई करने के। अब एग्जाम का पैटर्न देखना पड़ता है, क्वेश्चन पेपर्स देखने पड़ते हैं, सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज वो इम्पोर्टेंट है, आप जानते ही हैं, ये सारी चीजें, कुछ अलग से नहीं किया जाता है। आपको कितना टाइम लग गया इसको प्रिपरेशन करने को? राइट फ्रॉम द स्क्रैच अगर देखा जाए तो अराउंड 2 महीना, 2.5 महीना। बस 2 महीना में आपने क्वालिफाई किया है? मतलब नटशेल में बोल सकते हैं, एग्जैक्टली टाइम फ्रेम करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बता रहा हूँ, 2 से 2.5 महीने में आई क्रैक्ड इट। तो ये तो बहुत सीखने लायक है कि आप 2 महीना में नेट क्वालिफाइड कर गए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत खुशी वाली बात है। तो आप ये बताइए कि जो भी अभी एग्जाम देने वाले हैं, 2 महीना 1 महीना के बाद एग्जाम है, तो वो कैसे, कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो करे कि 1-2 महीने में वो प्रिपेयर करके नेट क्वालिफाइड हो जाए और ऐसा हो कि जेआरएफ भी क्वालिफाइड कर ले? कुछ आपके पास अगर हो तो आप बता सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है कि पीवाईक्यू से शुरू करना चाहिए आपको, हर एक के लिए सजेशन यही है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो। एक सेकंड, आप अगर पीवाईक्यू का नाम लिए हैं तो मैं पहले पीवाईक्यू पे ही पूछ लेती हूँ कि पीवाईक्यू का आपका क्या रोल है, आपके जो इस बार एग्जाम क्वालिफाई हुए हैं उसमें आपका पीवाईक्यू का क्या रोल है? मुझे लगता है कि किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे नेट का हो या और भी जो मल्टी लेवल एग्ज़ाम्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फाउंडेशन होते हैं आपकी तैयारी का। वो आपको ये बताते हैं कि किस डायरेक्शन में आपको काम करना चाहिए और कहाँ जाना आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज उसके बगैर आप डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। आप बहुत कुछ पढ़ लेंगे, आप बहुत ज़्यादा मगअप कर लेंगे, बट अल्टीमेटली प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा कुछ, क्योंकि डायरेक्शन लेस चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हार्म करेंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बहुत बड़ा रोल होता है, आपको पता तो चले ना कि आपको पूछ क्या रहा है वो। बिल्कुल। हाँ, आप बता रहे थे कि आप कैसे एचएससी फॉलो किया जाए। तो पीवाईक्यूज देखिए, आपको ये मालूम पड़ेगा कि चीजें कहाँ से आ रही हैं, किस तरीके से आ रही हैं, डेप्थ क्या है क्वेश्चंस की, रेंज क्या है टॉपिक की, ये सब चीजें मालूम पड़ने के बाद फिर कोई एक सोर्स अधियर करिए। एक्चुअली ऐसा होता है कि ऑनलाइन या इस तरह का मार्केट, यूट्यूब मार्केट आने के बाद बहुत सारे सोर्सेज हैं आपके पास, कोई भी एक सोर्स पिन पॉइंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लोग उसे कंफ्यूज रहते हैं। आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, सॉरी। हेलो, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है मुझ तक। आप कह रही, आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है, आप प्लीज आप, हाँ हाँ अभी आ रही है, आप अपना नेट चेक करेंगे? हाँ, अभी ऑडिबल है। तो आप बताइए, कुछ सुनाई नहीं दिया, आपकी नेट नहीं आ रही थी। लास्ट कहाँ तक सुना था? कि यही पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके बाद, जो हमारा आप बता रहे थे उसके बाद। आई वाज सेइंग कि कई सारे मटेरियल या कई सारे रिसोर्स रेफर करने की बजाय एक सिंगुलर पॉइंट सोर्स रखना चाहिए जिसको बार बार रेफर किया जा सके। और टेस्ट सीरीज अगर पॉसिबल हो तो ज्वाइन कर लीजिए, मॉक दे सकते हैं, बस यही स्ट्रेटजी। आपने आपने कहीं का मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था या नहीं? हाँ, एक बात बतानी थी, आई डोंट नो कि कितने एस्पिरेंट्स को ये बात पता है या नहीं पता है, जो कंडक्टिंग बॉडी है एग्जाम की, एनटीए, उसका अपना एक ऐप आता है प्ले स्टोर पे,
एनटीए अभ्यास करके। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, नहीं बहुत बट को वो नहीं पता। पॉलिटिकल साइंस, हाँ हाँ बहुत लोगों को नहीं बहुत पता को है। नहीं पता। हाँ नेट नेट एग्जाम के लिए उनका एक पर्टिकुलर ऐप आता है अभ्यास करके, जो कि वो मॉक करवाता है सिर्फ हर सब्जेक्ट का और पेपर वन का भी। और मेरे ख्याल से हर सब्जेक्ट में वो 150, 200, 300 के आसपास टेस्ट सीरीज उनके होते हैं। आपके पास ओ वक्त कम पड़ जाएगा पूरा कंप्लीट करने के लिए। ये तो आप तो बहुत दे आर अच्छी बात पर्टिकुलर बताए। दैट, हाँ ये फॉलो करना चाहिए हर कोई को। मैंने भी रिसेंटली डिस्कवर किया था। चलो जो भी देख रहे हैं उसके लिए ये बहुत अच्छी बात हो गई कि आप वहां से प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा तो और कोई नेट सेपरेट टेस्ट सीरीज की जरूरत, आई एम सॉरी, हाँ बोलिए। हाँ आप बोल सकते हो, पहले बोल लो। मैं ये कह रहा था कि और कोई सेपरेट टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज एक चीज ये होनी चाहिए ना कि लेवल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कई बार बिल्कुल ऐसा होता है कि जो जो टेस्ट सीरीज में आपके क्वेश्चंस मिलते हैं वो एक्चुअल एग्जाम से या तो नीचे होते हैं या तो उससे ऊपर होते हैं, तो दोनों ही सिचुएशन में वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। एनटीए बिल्कुल वाले ऐप की खासियत ये है कि वो खुद कंडक्टिंग बॉडी है, तो इस लिहाज से उनके क्वेश्चंस जो होते हैं वो लेवल्ड रहते हैं हाँ कि एज फार वो एज दैट इज पॉसिबल। हाँ उस बेसिस पे पूछते हैं कि जो वो एग्जाम में रियल एग्जाम में वो पूछ पाए वो करके। हालांकि ये उम्मीद करनी बेकार है कि टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीट होंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल काफी हेल्पफुल रहता है एक प्रैक्टिस हो जाता होगा कि मतलब जो जी। भी हम बहुत देंगे बहुत उसके लिए बहुत प्रैक्टिस हो जाता है। तो जैसा कि मुझे पता है जहां तक कि नेट जेआरएफ में दो पेपर होते हैं, पेपर वन पेपर टू, तो पेपर वन और पेपर टू में क्या स्ट्रेटजी फॉलो किया जाए कि हम दो बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर पाए और परसेंटाइल। अभी तो आपको पता है कि नेट जेआरएफ में सबसे बड़ा मुद्दा जो परसेंटाइल बहुत ज्यादा जा रहा है, जी मतलब जी कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है। हाँ बहुत ज्यादा जा रहा है कि आपका एक तो आप जनरल में देखेंगे तो 99 पॉइंट करके परसेंटाइल आप लाए हाँ तो हाँ फिर हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या 98 करना होगा पॉइंट कि सेवन मेरा परसेंटाइल था, स्टिल नेट तक ही पहुंच पाए हम, जर्क नहीं हुआ। वही वही जबकि 90 97 था क्या आपका, 98.7 98.7 में आप बस नेट क्वालिफाई कर पाए, तो आप सोच रहे हो कि कितना टफ हो गया है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि पेपर वन और पेपर टू बहुत सही से फॉलो करके हम इसको कर सकते हैं, आप कुछ बता पाए तो। मेरे ख्याल से एक बेसिक इंसाइट ये है कि आपका पेपर वन मजबूत होना चाहिए, उसके बगैर नहीं हो पाएगा। क्योंकि मान लीजिए 50 क्वेश्चंस हैं तो 50 में से 20, 22, 25 क्वेश्चन तक अमूमन हर कोई कर लेता है, बिल्कुल इसके नीचे नहीं आता कोई। रेयर केस है कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है तो अलग बात है, बगर अगर कोई सीरियस है, कोई सीरियसली परस्यू कर रहा है तो 25 क्वेश्चंस तक ले लेता है, 25-30 क्वेश्चंस तक। और टारगेट ये होना चाहिए कि आप पेपर वन में एटलीस्ट 40 के ऊपर जाएं, उसके बगैर जेआरएफ थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है, खुद का जो आपका सब्जेक्ट है पेपर टू, उसमें हर कोई पढ़ के आता है, हर किसी का जो कोई भी नेट देने की कोशिश कर रहा है उसका अपना सब्जेक्ट मजबूत होता ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें एक हद के बाद स्कोप नहीं भी होते हैं ज्यादा। आप ये देखिए कि जो टॉपर्स हैं आपके सब्जेक्ट के, उनके भी पेपर टू में 80 के ऊपर नहीं जाते हैं, रेयरली किसी के जाते हैं, तो उसमें इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स बहुत कम है। लेकिन पेपर वन में इम्प्रूवमेंट का स्कोप काफी ज्यादा आप कर रहता है। सकते हो, आप कर सकते आप हो बहुत ज्यादा मतलब कर पेपर सकते वन, हो बिल्कुल। हाँ पेपर वन में, क्योंकि पेपर वन तो सबके लिए एक हो गया ना कि आप हाँ वो आपका अपना कॉमन है, वो एफर्ट, सबके लिए कॉमन है। हाँ हाँ। तो आप अपना एफर्ट लगा के आप उसमें आगे बढ़ सकते हो, जी ये जी आप वही वही बोलने कह जा रहा रहे हूँ। हो। हाँ। अच्छा आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हो, तो आप कितना आप बता सकते हो कि आउट ऑफ सिलेबस आया उसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आउट ऑफ सिलेबस का ये है मैम कि कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। और एज इन एक बात ये भी है कि जिसको आप आउट ऑफ द सिलेबस बोल रहे हैं, स्टूडेंट जिसको आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस होता नहीं एक्चुअली। वो एज इन बस इतना होता है कि वो आपकी आंख के आगे से गुजरा नहीं है, इसलिए आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। हाँ, जो जाहिर सी मैं बात देख है, ही रही हूँ तो इसलिए। हाँ जो आप देख के नहीं गए। पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, आएगा पॉल साइंस का ही क्वेश्चन। और एक बात दूसरी ये है कि मान लीजिए अगर आउट ऑफ द सिलेबस आ भी रहा है कुछ, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना मेरे हिसाब से बुद्धिमानी नहीं है, वो आपका रिसोर्स खराब कुछ करेगा। दो चार आते होंगे तो उससे कोई मतलब, अगर मैक्सिमम आप अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो आप बहुत लिबर्टी ले लिए तब भी 5 मान लीजिए, 5 से ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो कि आउट ऑफ द सिलेबस आप बोला जा सके। और पता तो उन चला कि 5 को क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करने में हाँ इधर सारा बेकार पूरा कर दे 95 तो खराब करेंगे आप, वो तो वो कोई बुद्धिमानी मतलब। बिल्कुल नहीं है। और 95 पे टारगेट करिए, वो ज्यादा अच्छा है। एक क्वेश्चन और है कि पॉलिटिकल साइंस का जो बच्चा है, जैसे कि आप तो उसी जी के बारे हाँ में बता पाएंगे, तो हाँ किस यूनिट में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए,
कि जिससे बहुत वेटेज रहता है क्वेश्चन का? मैम एज इन यूनिट वाइज नहीं किया जा सकता, मतलब मेरे हिसाब से, मेरी अपनी हाँ जो हाँ थिंकिंग है बिल्कुल, कि हाँ, हाँ मैं अपना रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं अपनी बिल्कुल बात कर रहा बिल्कुल। हूँ। हर यूनिट कम से कम इतना तो कर ही लीजिए कि आप गेस कर सकें या एलिमिनेट कर सकें चीज़ों को, इस तरह का ही सिचुएशन तो आनी ही चाहिए। बिल्कुल ब्लैंक किसी यूनिट में होना वो फिर नहीं अफोर्डेबल नहीं 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 है। हाँ, तो आप ये कह सकते हो कि हर यूनिट का इम्पोर्टेंस है। और ज़्यादा अगर हो सके तो जो IR का पेपर है, पब्लिक एड का पेपर है, WPT यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, ये कुछ आपके स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। मेरे ख्याल से 100 में से अराउंड 40-45-50 क्वेश्चन इन्हीं 3-4 टॉपिक से उड़ के आ जाते हैं। ये मैंने देखा ओके है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ये माने। नहीं, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा होता है। हाँ ऐसा होता है, प्रीवियस ईयर को वही PYQ, फिर वही बात है, PYQ क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो PYQ देखने के बाद मालूम पड़ता है कि ये 3-4 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस गारंटी कर देती हैं। सो दैट इज हाउ ओके, थिंग्स आर। तो अब आपका अभी जो नेट एग्जाम आने वाला है उस पे आपका JRF पे कितना फोकस हो रहा है? अल्टीमेट फोकस वही है मैम, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सिर्फ नेट कोई मतलब नहीं रखता है। बहुत लोग हैं नेट क्वालिफाई करके घूम रहे हैं, क्या ही मतलब है। JRF इज दैट मैटर्स, इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत। इंपॉर्टेंट बस वही है, JRF है। आपको ऑल द बेस्ट कि आप नेक्स्ट टाइम आप JRF क्वालिफाई करें ताकि फिर से हम आपका इंटरव्यू ले पाए। थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, तो एक लास्ट और क्वेश्चन आपसे पूछना है। हाँ जी हाँ आप हाँ जी बोलिए, हाँ जी, पहले आप बोलिए। आई वाज सेइंग कि अगर रिसोर्स की बात है, अभी मैंने पहले क्वेश्चन के जवाब में कहा था कि बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जो कि आप रेफर नहीं कर पाते। एक चैनल है आप ही के यूट्यूब पे है, पॉल साइंस हेल्प के नाम से है, और वो काफ़ी बेहतरीन चैनल है, और उनकी अपनी एक कुछ मटेरियल का PDF वगैरह भी आता है, 125 रुपये का वो PDF देते हैं अपना। और मेरे मेरी अपनी ओपिनियन में पूरे इंटरनेट पे पॉलिटिकल साइंस का उससे कंसाइज और उससे कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल नहीं है, क्या दैट वो आई डोंट नो। शॉर्ट नोट्स बना के देते हैं क्या? टेबुलर फॉर्म में रहता है हर चीज़, मतलब जैसे यूनिट वाइज सब कुछ अरेंज रहता है, और वो काफ़ी हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए, और जो परचेज नहीं कर सकते हैं उनके लिए फ्री, उनके पास वीडियोस भी होते हैं। एक और बात यह है कि मेरा उस चैनल से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं प्रमोट नहीं कर नहीं, रहा नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां से आपको मदद मिला आप बता सकते, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। आप व्यूवर के लिए ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि मेरा सच में कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मॉनिटरी बेनिफिट मुझे नहीं नहीं है, आपके लिए नहीं, मैं नहीं व्यूअर के लिए बोल रहा हूँ। जैसे जैसे कि आप जहां से आप किए हो वो आपको बताना ताकि बिल्कुल व्यूवर्स को हेल्प मिल पाए। हमारा मकसद यही होता है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ताकि वो वो नेक्स्ट टाइम वाकई अच्छे से परफॉर्म कर पाए। पेपर वन के लिए तो नहीं कह सकते, बट पेपर टू के लिए वाकई वो बहुत हेल्पफुल मटेरियल है, बहुत ही हेल्पफुल है। और 2 महीने या 1 महीने में जिस तरीके से तैयारी की जा सकती है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से उससे बेहतर मटेरियल कहीं पे भी नहीं है। चलिए, तब तो ये वीडियो उसके लिए बहुत फायदेमंद है जो ये देखेगा और वो 2 महीने में अच्छे से कर पाएगा। तो एक लास्ट जी क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि आप नेट JRF माइंड चैनल से आप जुड़े हो बहुत दिन से, तो आपका इस एग्जाम में क्या योगदान रहा है? नेट JRF माइंड का क्या योगदान रहा है? मैंने एग्ज़ाम के पहले प्रेडिक्शंस देखे थे, जो सर आते हैं जो बोला करते हैं, मैं नाम नहीं जानता उनका, आई एम सॉरी। तो वो उनका प्रेडिक्शंस जो होते थे कट ऑफ के, या कितना प्रिपरेशन करिए, कितने क्वेश्चंस लिए, तो एक बात यह है कि टारगेट जो सेटिंग होती है ना कि इतने क्वेश्चंस करके आइए उसके बाद आप अपने आप को सेफ फील करेंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट था मेरे मन में, ये आप ही के चैनल के थ्रू आया था, जो सर ने बोला था कि अब 95 to 100 या 105 करके आइए तो आप बिंदास फील कर सकते हैं अपने आप को। तो ये एक टारगेट सेटिंग की बात थी। उसके बाद मैंने पेपर वन के लिए भी वीडियोस आपके देखे थे। एक चीज़ एडमिट करने की बात यह है कि पेपर वन बहुत वीक है मेरा, सो सॉरी। जो मैथमेटिक और रीजनिंग वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा लैग करता है, तो उसके छोटे छोटे जो शॉर्ट वीडियोज आपने बनाए थे वो मैंने देखे थे, एंड दे वर प्रेटी हेल्पफुल फॉर मी। पेपर टू के लिए भी जो वीडियोस बने थे IPT के और IR के, वो भी मैंने देखे थे, हालांकि बहुत सरसरी निगाह में देखे थे, इन डेप्थ नहीं। प्रेटी यूजफुल। आपका फिर से कनेक्ट डिसकनेक्ट हो रहा है। हेलो, आवाज जा रही? हेलो, हाँ, अभी आ रही है। तो हाँ आपकी आपकी आवाज़ पूरी आ रही है। ओके, हाँ अभी आपकी भी आ रही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
आपके लिए हम कुछ हेल्प कर पाए एग्जाम के लिए, ये जान के मुझे बहुत जी जी खुशी हुई कि चलिए हमारा भी नहीं, चैनल आपका आपके लिए कुछ चैनल मदद मिल पाया। वाकई वाकई काफ़ी हेल्प कर रहा है, और सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपके कमेंट्स वगैरह में अटेंडेंस देते हैं, दे आर क्वाइट एक्साइटेड, काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है उनको, अच्छा लगता है ये जी देख के। हाँ, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। तो आपको ऑल द बेस्ट, आप नेक्स्ट टाइम जेआरएफ क्वालिफाई करें और फिर से हम आपका इंटरव्यू ले, यही यही थैंक होप के यू साथ हम आज का वीडियो यही क्लोज करते हैं। ऑल द बेस्ट और फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई करना सच में बहुत मैटर करता है, तो मैम, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यू।